मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही फेमस टी टाइम स्नैक्स मसाला वड़ा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। चना दाल एक कटोरी, तेल तलने के लिए पुदीने की पत्तियाँ, एक करिया पत्ते की स्ट्रिप और थोड़ा सा धनिया पत्ती। उसके अलावा बेकिंग सोडा, ये ऑप्शनल है। कॉर्नफ्लोर 1.5 स्पून है। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 1/2 स्पून। अजवाइन, नमक, चिली फ्लेक्स, जीरा 1/2 स्पून। एक प्याज है और थोड़ा सा हींग। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। सबसे पहले मैं चना दाल को 2 से 1.5 घंटे के लिए भीगने रख दूंगी। मैंने चना दाल को धो लिया, 1.5 घंटे ये भीग चुका है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ मिक्सी के जार में। पूरा पानी निकाल के मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करते समय हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें बेसन या फिर कॉर्नफ्लोर जो भी हम डालेंगे वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, मैंने दरदरा ग्राइंड कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ बाउल में। बाउल में निकाल के अब मैं इसमें डालूँगी बाकी की चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा धनिया पत्ती, पुदीने की पत्ती और बारीक कटा प्याज। उसके बाद ये है करिया पत्ती एक स्ट्रिप, इसको मैं हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ। अजवाइन 1/2 स्पून है, जिसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। उसके अलावा मैंने डाला है 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 1/2 स्पून। नमक 1/2 स्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। फिर हींग डाल के मैं इनको स्पून से अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके पहले मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर मैंने 1.5 स्पून डाला है। आप चाहो तो यहाँ बेसन या चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैं इनके बनाऊँगी गोले। इसको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके अब मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म होने रख दिया है, अब मैं बैटर के गोले बना रही हूँ। आपको जिस साइज़ के बनाने उस अकॉर्डिंग आप गोले बनाना। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना ही ज़्यादा बड़े ना ही ज़्यादा छोटे। गोले बनके रेडी है, तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इनको दे रहे हैं वड़े का शेप। सबसे पहले मैं गोला उठा रही हूँ, हाथ को मैंने गीला कर लिया है। उसके बाद मैं इनको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करके तेल में इनको मैं छोड़ रही हूँ। डालते समय तेल गर्म है, उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। इसी तरीके से हम सारे वड़े बनाएंगे। एक गोला उठाएंगे, उसको हाथ से प्रेस करेंगे, उसके बाद हम उसको डालेंगे तेल में। डाल के ऊपर नीचे पलटते हुए हम लोग इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं तेल में डालते साथ मैं इनको पलट के दिखा रही हूँ, ये काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। ये एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है। अभी रेनी सीज़न का टाइम है, चाहे रेनी सीज़न हो या विंटर सीज़न हो, एज ए टी टाइम स्नैक्स या इवनिंग स्नैक्स आप इसे बना सकते हो। और बच्चों को क्या, ये बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही फेमस साउथ इंडियन टी टाइम स्नैक्स है, इसे स्ट्रीट फूड भी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनता है। अब मैंने वड़े निकाल लिए हैं और इसी तरीके से मैं बाकी सारे वड़े तल के निकाल ले रही हूँ। ये वड़े आप किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सारे वड़े बन गए हैं, मैंने निकाल ले रही हूँ। निकाल के मैंने सर्व कर रही हूँ धनिया पत्ती पुदीने की कच्ची चटनी के साथ। आप भी ये टेस्टी वड़े बनाइए और बताइए अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।